हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी प्यारी सी दोस्त फायजा चौधरी। अपने चैनल फायजा चौधरी ब्लॉग्स के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज मैंने आपको नहीं कहना कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी यूनिक चीज़, ऐसी यूनिक बिल्डिंग दिखाने लगी हूं, जिसको देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप खुद से चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो आपको मैं लेके चलती हूँ एक ऐसी इमारत के सामने, जो कि अभी नहीं बताऊँगी, इमारत के सामने जाके बताती हूँ। तो आइए चलिए, फॉलो मी। तो जनाब, ये है वो जगह, ये है वो इमारत जहां हम आपको लेके आए हैं। ये जो है बहुत ही पुरानी एंशियंट बिल्डिंग है, जो कि किसी जमाने में सिखों का गुरुद्वारा थी। इस जो बिल्डिंग है, पहले तो हम आपको इसके शॉट्स दिखाते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि इस गुरुद्वारे की खास बात क्या है। तो आइए देखिए इस गुरुद्वारे के कुछ शॉट्स। बात है कि इस बिल्डिंग के हवाले से सिखों में ये पाया जाता था कि ये हमारा गुरुद्वारा है, और हिंदुओं में ये पाया जाता था कि ये उनका मंदिर है। इस गुरुद्वारे के लिए या इस इबादतगाह के लिए सिखों ने और हिंदुओं ने जो जो डोनेशन दी, उसके जो सबूत हैं वो नीचे मार्बल के फ्लोर पे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने जो जो डोनेशन दी हैं, उनके नाम उस ज़माने में जो जो डोनेशन दी गई है उस कीमत के साथ यहाँ पर दर्ज हैं। जैसे कि ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है लाला देवी दित्ता शाह, और इन्होंने उस ज़माने में 170 रुपये डोनेट किए थे, ये भी यहाँ मेंशन है। और ऐसे बहुत से नाम जो हैं यहाँ पे मेंशन है। ये तो थी इस गुरुद्वारे के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन, जो कि कोई भी सियाह यहाँ आएगा उसे ये चीज़ नज़र आ जाएगी। अब हम गुरुद्वारे के अंदरूनी हिस्से की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उस ज़माने में इबादत की जाती थी। क्योंकि ये इबादतगाह है, इसलिए इसका एहतराम करते हुए हम जूते जो हैं वो बाहर ही उतार देते हैं। अगर हम इस आगे आर्किटेक्चर पे बात करें, तो वो भी बहुत ही यूनिक है। क्योंकि जिस तरह से इसके ऊपर रोशनदान बनाए गए हैं, जो कि अभी आप देखेंगे, तो जितनी भी कहते हैं बारिश आ जाए, पानी यहाँ से अंदर नहीं आता, और शदीद गर्मी में ये गुरुद्वारा बहुत ही ठंडा होता है। और जब सर्दियाँ होती हैं, अगर इसका दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो ये अंदर से हीटेड होता है, गर्म होता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं वो चीज़ जिसकी वजह से ये गुरुद्वारा बहुत ही यूनिक समझा जाता है। तो आइए आपको मैं करीब से वो चीज़ दिखाती हूँ। ये वो जगह हैं जो कि उस ज़माने में, जिसमें दिए जला के या लाइट का इंतज़ाम इन जगहों पे किया जाता था, ये आपको इस रूम में जा बजा नज़र आएगी। इसकी ख़ास बात ये है इस गुरुद्वारे की, कि इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन की गई है वो सीमेंट से नहीं की गई, बल्कि वो की गई है दाल माश के साथ। है ना ये हैरानकुन बात, हमें भी बहुत हैरानकुन लगी थी, इसीलिए हम यहाँ ये वीडियो शूट करने के लिए आए। इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हुई है, जो भी मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, उसमें दाल माश का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि उस ज़माने में सीमेंट जो है वो दस्तयाब नहीं होता था, इसलिए दाल माश को, जगहों को, चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो
आप देख सकते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कितनी मजबूत है और सदियों गुजर जाने के बाद भी ये जू का तू हमारे सामने मौजूद है। तो आपने जगह तो बहुत सी देखी होंगी, लेकिन ऐसी जगह जिसमें रवायत से हटके कंस्ट्रक्शन की गई हो वो शायद आपने पहले ना देखी हो। तो यही हमारा मकसद था और यही इंफॉर्मेशन थी जो हमने आप तक पहुंचानी थी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।